नमस्कार, शुभ 24 प्राइम टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अजय कुमारी। आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। राहुल गांधी को मानहानि मामले में सजा पर गुजरात हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिलने के बाद देश भर में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के समर्थन में मौन सत्याग्रह कर रहे हैं। राहुल गांधी अयोग्य घोषित किए जाने के बाद कांग्रेस लगातार बड़े आंदोलन कर रही है। इसी कड़ी में जयपुर में शहीद स्मारक पर कांग्रेस की तरफ से मौन सत्याग्रह किया जा रहा है। मानहानि मामले में गुजरात हाईकोर्ट के राहुल गांधी के खिलाफ फैसले पर कांग्रेस प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश भर में मौन सत्याग्रह हो रहा है। जयपुर में शहीद स्मारक पर चल रहे सत्याग्रह में सचिन पायलट, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, मंत्री टीकाराम जूली, राजीव अरोड़ा, सह प्रभारी अमृता धवन समेत तमाम कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता हाथ पर काली पट्टी बांधकर मौजूद रहे। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस दौरान पीएम मोदी और भाजपा पर जमकर निशाना बोला। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी कहा कि राहुल गांधी को भगवान और अदालत से इंसाफ मिलेगा। रंधावा ने कहा, दुनिया की सबसे पुरानी और बड़ी पार्टी के नेता की आवाज बंद करना इतिहास में पहली बार हुआ। 1978 में भी जनता दल की सरकार ने इंदिरा गांधी को जेल में भेजा था, बाद में उसका उतना ज्यादा रिएक्शन हुआ। राहुल गांधी को पार्लियामेंट में बोलने से रोकने के लिए सब किया गया, यह देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। हिमाचल और कर्नाटक में राहुल गांधी की जुबान बंद करने का रिजल्ट देख लिया। शहीद स्मारक पर चल रहे कांग्रेस के सत्याग्रह में सचिन पायलट भी पहुंचे। पायलट कल ही दिल्ली से जयपुर पहुंचे हैं। सीएम अशोक गहलोत से सुलह के बाद पायलट के तेवर बदले हुए दिखे हैं। लंबे समय बाद राजधानी जयपुर में कांग्रेस के धरने में सचिन पायलट शामिल हुए। सचिन पायलट बोले, पेपर लीक पर मेरे उठाए गए मुद्दों पर पार्टी और सरकार में सहमति है। सरकार जल्द ही एक कानून लाएगी ताकि लोगों पर कार्रवाई हो। मैंने पेपर लीक और आरपीएससी के मेंबर्स की नियुक्ति पर भी अपनी बात रखी थी। आज पूरे देश के अंदर केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से माननीय न्यायालय की आड़ के अंदर हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि सांसद हमारे नेता राहुल गांधी जी की सदस्यता को समाप्त किए हैं, उसके विरोध के अंदर आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर सत्याग्रह किया जा रहा है। उसी के मद्देनजर आज हमारे शहीद स्मारक पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से सभी कार्यकर्ता नेताओं के द्वारा यहाँ भी सत्याग्रह चल रहा है। लोकतंत्र के अंदर बयानों के आधार पर किसी की सदस्यता रद्द कर देना वो लोकतंत्र की हत्या है, और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये पहला ऐसा काम है जो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं समझ रहा हूँ कि लोकतंत्र के अंदर किसी की आवाज को दबाना वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। सर एक क्वेश्चन, देखिए अभी सत्याग्रह है, फिर पार्टी डिसाइड करेगी जिस कदर से, लेकिन हम जहाँ तक समझते हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय 100% इस मामले के अंदर संज्ञान लेके और न्याय देगा, क्योंकि हम लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से 100% न्याय मिलेगा और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। ऐसा हमारा न्याय की जो सबसे बड़ी मंदिर है वो सुप्रीम कोर्ट, उससे हमें उम्मीद है। धरने में जो राहुल गांधी जी के षड्यंत्र करके जिस प्रकार से ये भाजपा सरकार जो है केंद्र की कर रही है, उनके खिलाफ उनकी सजा खत्म कर दी, उनको घर से बाहर निकाल दिया और कोर्टों को भी मैनेज करके जिस प्रकार से राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद में भाजपा बिल्कुल बौखलाई हुई है और उनको परेशान और अरेस्ट करने की कार्रवाई कर रही है। आज पूरा कांग्रेस पूरे देश के अंदर एक साथ सुबह 10 बजे से 5:30 बजे तक मौन सत्याग्रह रख करके राहुल जी के पक्ष के अंदर पूरी कांग्रेस खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। चाहे कोर्ट से कुछ भी निर्णय करें, कुछ भी करें, पर कांग्रेस हमेशा राहुल जी के साथ है, आगे भी राहुल जी के साथ रहेंगे। और पूरी कांग्रेस पूरे देश के अंदर जिस प्रकार आज देख रहे हो हजारों की संख्या के अंदर सुबह से शाम को 5 बजे तक ये मौन सत्याग्रह आज शहीद स्मारक के ऊपर रखा गया है, और इसी प्रकार पूरे देश के अंदर हरेक राज्यों की राजधानियों के ऊपर आज सत्याग्रहों का आंदोलन जिस प्रकार से पूरे देश में माहौल हो रहा है, उससे राहुल गांधी जी और भी ज्यादा मजबूत होकर के जो है कांग्रेस के एक नेता के रूप में उभरेंगे और उभर रहे हैं। बीजेपी की तानाशाही है, ये हर प्रकार से कांग्रेस को दबाने के लिए राहुल जी का भारत जोड़ो यात्रा के बाद में जो ग्राफ बढ़ा है उससे बौखला करके ये इस प्रकार के हथकंडे कर रहे हैं, ऊंची हरकतें कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान की जनता देख रही है, उसका जवाब 2023 में राजस्थान की जनता दे देगी और 24 के अंदर पूरे देश के अंदर इनको सबक जो है आम जनता जो है दिखा देगी इसके बारे में, क्योंकि ये बदले की और विपक्ष को कांग्रेस को टारगेट करके कार्य कर रहे हैं।
ये हिंदुस्तान की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। पेयर बदले की भावना ये है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। आपने देख लिया, एक ही दिन के अंदर सजदा खत्म कर दी, दूसरे दिन का घर खाली करवा दिया, और इनसे कई लोग जो है कई वर्षों से दिल्ली के अंदर मकानों के अंदर रह रहे हैं। पर राहुल गांधी जो गांधी परिवार जिन्होंने अपनी पूरी संपत्तियां देश को दान दे दी थी, आज उन्हीं के घर खाली करवा करके ये इसके औधे हथकंडे कर रहे हैं, सजदा खत्म करने का कार्य किया है, इसको कांग्रेस कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये सत्याग्रह है। कांग्रेस हमेशा सत्य पर चलने वाली पार्टी है। आजादी की लड़ाई भी हमने सत्याग्रह के माध्यम से महात्मा गांधी के रहनुमाई में जीती थी, और अब जब देश में लोकतंत्र, हमारा ये मानना है कि लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, लोकतंत्र के जो संस्थाएं उनको कमजोर किया जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है, लोगों को भयभीत किया जा रहा है, ऐसे में आज फिर से सत्याग्रह की आवश्यकता है। राहुल जी ने हमें सिखाया कि सत्याग्रह फिर से करने की आवश्यकता है। पहले भी हमने सत्याग्रह किया था, आज भी सत्याग्रह कर रहे हैं। तो ये राय कि राहुल जी या कोई भी मेरे विपक्षी दल जो है केंद्र में, वो कोई सवाल उठाने का जवाब नहीं दिया जा रहा, बल्कि उनको डराया धमकाया जाता है। जो मुद्दे, जो शंकाएं सरकार के सामने रखी जाती हैं, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, उनकी पार्टी के नेताओं को उन शंकाओं का समाधान करना चाहिए। शंकाओं का समाधान नहीं करते वो लोग, अपने कोई बात करते हुए अनर्गल बातें करके उनको डराने की, धमकाने की या ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा ये सत्याग्रह है कि दुराग्रह पर चलने की जरूरत नहीं है, सत्याग्रह पर चलने की जरूरत है। ये एक संदेश है राहुल जी का, और इस संदेश को हम लोग जन जन तक पहुँचा रहे हैं। पूरी कांग्रेस, पूरा देश राहुल जी के साथ खड़ा है, क्योंकि राहुल जी सच पर चल रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। की पार्टी कांग्रेस है, उसके द्वारा आज धरना हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी के लिए, आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे सत्याग्रह को लेकर? तो जिस तरह से बीजेपी पूरे देश में एक तरह से लोकतंत्र की हत्या कर रखी है, पहले राहुल गांधी की एक तरह से वो सदस्यता खत्म कर दी, अब वो कोर्ट का फैसला फिराया। कोर्ट भी मैं समझता हूँ कि इनके अंडर प्रेशर काम कर रहे हैं, एडवोकेट होते हैं, गवर्नमेंट के एडवोकेट्स होते हैं, पता नहीं वहाँ फिरा करके अपनी बातों को ऐसे प्ले करते हैं कि किसी दिन फैसला करवा लेते हैं। तो वो अभी फैसला आया, उसके चक्कर में हम सारा यहाँ पर शांतिपूर्वक, क्योंकि हमारी पार्टी गांधीवादी पार्टी है, और ये सुबह से लेकर शाम तक आज शांति पूर्व तरीके से एक सत्याग्रह धरना पर धरना है। मैं समझता हूँ कि निश्चित मोदी जी की नींद खुलेंगी, और प्रजातंत्र में सभा शोभा नहीं देती, ये अब संदेश देना चाहता हूँ। आज हमारा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से ये मौन व्रत सत्याग्रह रखा गया है एक दिन का। जैसा कि सभी को पता है, मोदी जी की तानाशाही और उनका ये जो रवैया चल रहा है, जो सच्चाई को दबाना, राहुल गांधी जी जो सच के रास्ते पे चल रहे हैं और सच्चाई का साथ दे रहे हैं, उनकी आवाज को दबाना, यानी कि सच को दबाना, तो आज हम इसके सख्त खिलाफ हैं कि मोदी जी अपना ये तानाशाही रवैया और अपनी हुकूमत चलाना बंद कीजिए और जनता के सामने सच्चाई को आने दीजिए। तो इसीलिए हमने हमारे नेता राहुल गांधी जी का सच और उनका साथ देने के लिए ये मौन व्रत एक दिन के लिए ये सत्याग्रह यहाँ पे रखा गया है, जिसमें हम सभी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे ये हुआ है, जिसमें हमारे नेता सचिन पायलट साहब के साथ हम सभी कार्यकर्ता भरतपुर से यहाँ पे पधारे। मेरा नाम रिक्की सिंह है, मैं भरतपुर से महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष रह चुकी हूँ। अजमेर में सर्व धर्म मैत्री संघ की ओर से जैन आचार्य पूज्य श्री 108 काम कुमार नंदी जी की निर्मम हत्या के विरोध में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए अजमेर जिला कलेक्टर को कर्नाटक के मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा और इस घटना में लिप्त आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। भारतीय जैन समाज इस कृत्य की कड़ी निंदा करता है और राज्य सरकार से मांग करता है कि उपरोक्त मुकदमा में गंभीरता से जांच कराए और सभी हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कर्नाटक के बेलगाम जिले में दिगंबर जैन मुनि आचार्य श्री काम कुमार नंदी महाराज की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपियों ने उनके शव के टुकड़े कर बोरवेल में फेंक दिए थे। मुनि काम कुमार नंदी महाराज बुधवार से लापता थे, जिसके बाद गुरुवार को ही उनके भक्तों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। ये पूरा मामला चिकोडी इलाके का है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर दो संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। इसके बाद आरोपियों ने जैन मुनि की हत्या करने और बाद में शव को फेंक देने की बात कबूल की। प्रदर्शनकारियों ने इस साजिश का जल्द से जल्द खुलासा हो और आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इसकी मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। साथ ही जैन मुनियों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने की मांग की। हाँ जी भाई साहब, आज किसने सब धर्म के लोगों ने ज्ञापन दिया?
दिगंबर जैनाचार्य कामा कुमार नंदी जी महाराज, जो कि कर्नाटक के बेलगांव स्थित चिक्कोड़ी के अंदर एक आश्रम में रहते थे। पिछले 30 साल से दीक्षित मुनि महाराज हैं, आचार्य हैं दिगंबर जैन संत के। उनकी निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी गई और उनके टुकड़े टुकड़े करके बोरवेल में डाल दिए गए। उसी के विरोध में आज सर्वधर्म मैत्री संघ के माध्यम से हम लोग यहाँ पे जितने भी पदाधिकारी लोग सबको ज्ञापन देने आए, जिलाधीश महोदय के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति महोदय और वहाँ के जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री है सिद्धरमैया जी के नाम पे, कि इस प्रकार का जो कुकृत्य हुआ उसके ऊपर इमिडिएटली रोक लगाई जाए और जो अपराधी हैं उनको शीघ्रता से शीघ्र पकड़ करके उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। भारतीय संस्कृति के अंदर संतों की सुरक्षा से ही भारतीय संस्कृति सुरक्षित रह सकती है, ये सर्वधर्म मैत्री संघ का एक बेसिक लॉजिक है। इसी के तहत आज हम लोग यहाँ पर ज्ञापन दे रहे हैं। खबर अजमेर से है, जहां कल्याणीपुरा में स्थित राष्ट्रीय उच्च माध्यमिक स्कूल के प्रधानाचार्य राजकुमार जारवाल पर 30 स्टूडेंट्स को टीसी देने का आरोप था। साथ ही प्रिंसिपल पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने का वार्ड 53 निवासियों ने आरोप लगाया, जिसको लेकर कल्याणीपुरा निवासी प्रिंसिपल के पक्ष में उतरे और कहा कि प्रिंसिपल पर जो आरोप लगाए गए हैं वो सरासर झूठ है। वहीं स्कूल के प्रति उनके योगदान के बारे में भी बताया गया और जिला शिक्षा अधिकारी को मामले में ज्ञापन सौंप कर अवैध रूप से आरोप लगाए जाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। कल्याणीपुरा अजमेर वार्ड नंबर 53 में है। जारवाल साहब पहले मतलब कि हमारे यहाँ स्कूल ऐसा थी, कोई मतलब नहीं था। इसके बाद में 3 साल हुए, हमने इनका ट्रांसफर बाहर लोग उनको यहाँ करवा के लाए और मेहनत करके उन्होंने आज स्कूल को एक स्वर्ग बना दिया, जिसमें विद्यार्थियों का और रिजल्ट भी और 100% रहा, जिससे कि ताकि आने वाली पीढ़ी यहाँ से जागरूक हो और आगे विकास की ओर अग्रसर है। इसलिए हमें निवेदन है कि ऐसे प्रिंसिपल साहब, अब इनको 11वें महीने में रिटायरमेंट है और आखिरी समय में इनको ऊपर आरोप लगाया वो निराधार है, ताकि इनके सर्विस पे धब्बा लगता है कि कोई कर्मचारी है और जिले के अंदर ये माने हुए हैं प्रिंसिपल है, ताकि इसका संज्ञान अच्छी तरह से लिया जाए, ताकि उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। इसी से हम यहाँ ज्ञापन देना चाहे रामस्वरूप चैन वार्ड नंबर 53। क्या मामला है सर? मामला ये है, हम लोग वार्ड नंबर 53 कल्याणपुरा अजमेर से आए हैं। कल्याणपुरा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, वहीं के कल लोग कुछ लोग यहाँ पे डीओ साहब के पास आए और उन्होंने प्रिंसिपल का आरोप लगाया है कि उन्होंने बच्चों की 30 से ज़्यादा बच्चों की टीसी काट दी बिना कोई कारण बताए और महिलाओं पर वो अभद्र व्यवहार करते हैं। तो हम प्रिंसिपल के फेवर में आए कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर टीसी काटी गई है तो वो मात्र 3 बच्चों की टीसी काटी गई है, वो भी इसलिए काटी गई है वो बिल्कुल ही फेल है। और उन्होंने इच्छा जताई कि हम ओपन बोर्ड से एग्जाम देंगे या उस हिसाब से पढ़ेंगे। रही बात महिलाओं पर अभद्र व्यवहार किया, उसके लिए मैं आप मीडिया के जरिए मैं आपको बता दूं कि सर इतने अच्छे हैं कि वो महिलाओं का मान सम्मान करते हैं और ऐसा हो ही नहीं सकता। राजकुमार जी जो जारवाल जो प्रिंसिपल साहब आए हैं, उनसे पहले स्कूल का कोई अस्तित्व नहीं था। कल्याणपुर में कोई स्कूल है भी सही घर नहीं भी कोई मतलब नहीं था, शहर में कोई स्कूल नहीं पूछता था। उनके आने के बाद सर ने उनकी मेहनत और लगन से कई हमारे वार्ड में भामाशा हुआ, उनके जरिए से कई एक से विकास करे स्कूल के लिए, जो मैं आपको मीडिया के संबंध में बताना चाहता हूँ। स्कूल में माँ सरस्वती जी का निर्माण करवाया, नवीन स्कूल में पानी का टैंक, जल वितरण व्यवस्था कराई, भामाशा के जरिए इन्वर्टर, लॉयंस क्लब अजमेर के ग्रीन बोर्ड और बच्चों के लिए सर्दियों में स्वेटर वितरित करवाए, सभी छात्रों के लिए आई कार्ड बनवाए, जो प्राइवेट स्कूल में आई कार्ड होते हैं बच्चे गले में डाल के जाते हैं वो आई कार्ड भी बनवाए उन्होंने, सभी क्लास रूम में सीसीटीवी कैमरे ताकि बच्चा कोई शैतानी कर रहा है, अगर कोई टीचर भी नहीं पढ़ाता तो सारी किए तो प्रिंसिपल के रूम में है सारी। स्कूल में छात्रों के बैठने के लिए उत्तम व्यवस्था करवाई, दरी के लिए टेबल कुर्सी की सारी व्यवस्था उन्होंने करवाई और अभी हाल ही में स्वयं के पैसों से रिटायरमेंट होने वाले उस स्वयं के पैसों पर जो अपने स्कूल का ग्राउंड है वहाँ पर ब्लॉक लगवाए, नवीन स्कूल के प्रांगण को जो अतिक्रमण से होता था वहाँ पर शराबी बैठा करते थे, कई ऐसे क्या नाम गंदी वाड़ा फैलाते थे, उनसे मुक्त करवाया। और यही नहीं, वर्तमान में इस साल जो ऐतिहासिक वार्षिकोत्सव हुआ वो संपन्न करवाया, जिसकी तारीफ अजमेर शहर में नहीं हुई पूरे ऑल ओवर राजस्थान में हुई। तो हम डीओ साहब के पास इसलिए आए हैं कि जो कल इन्होंने आरोप लगाया है वो झूठे हैं, निराधार है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो हमारी डीओ साहब से यही मांग है कि ऐसे ईमानदार स्वच्छ व्यक्ति जो प्रधानाचार्य ऋषिमान राजकुमार जारवाल जी, उनके ऊपर जो आरोप लगाए हैं जिनके लगाए गए उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करने की। युवा मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अंकित चेची ने प्रदेश भाजपा कार्यालय पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया, प्रदेश की कांग्रेस सरकार के द्वारा युवाओं का भविष्य
खराब किया जा रहा है लगातार पेपर लीक करके। ऐसे में भाजपा युवा मोर्चा के हक के लिए 18 जुलाई को अजमेर में स्थित आरपीएससी कार्यालय का घेराव करेंगे और साथ ही आंदोलन करेंगे। युवाओं के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ हम सड़कों पर उतरेंगे, इसमें ज्यादा से ज्यादा युवाओं द्वारा सहयोग किया जाएगा। जयपुर से हमारे संवाददाता आनंद जगरवाल की खास रिपोर्ट। हम आप उसी दिन पधारेंगे जब आपको देखने को मिलेंगे। संख्या काफी संख्या है, आप वहाँ पर पधारेगा आपको देखने को मिलेगा। तो बताइए काउंटिंग हमने सभी कार्यकर्ताओं से बात करी है, अधिक से अधिक संख्या में सभी कार्यकर्ता वहाँ पर पहुंच चुके और भारी संख्या के अंदर कार्यकर्ता पहुंचे। रफली आइडिया तो बताइए आप। और हम सभी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को पूर्ण विश्वास है कि भारी संख्या के अंदर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता वे आम छात्र जो इस चीज से पीड़ित है वो सभी आरपीएससी जाने का काम करेंगे। किसकी है ये सब बातों को लेकर के राजस्थान भाजपा युवा मोर्चा का कार्यकर्ता आम छात्रों को लेकर के अजमेर के अंदर जाएगा और आरपीएससी को घेरने का काम करेगा। आप इस कार्यक्रम को हम सभी हिमांशु जी और सभी प्रदेश नेतृत्व के सहयोग से कर रहे हैं और इस कार्यक्रम को हम सफल बनाएंगे। हमारी प्रदेश की बैठक अजमेर के अंदर लेकर के आरपीएससी जो पेपर आउट का गढ़ बना हुआ है उसको घेरने का काम युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अजमेर के अंदर करने जा रहे हैं। झालाना बाईपास जयपुर की लाइफलाइन मार्ग होने के बावजूद राज्य सरकार, निगम अधिकारियों, पुलिस प्रशासन, जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। जयपुर ग्रेटर की 3 सड़कों में एक मुख्य सड़क झालाना बाईपास भी है। एक और टोंक रोड पर भारी परजाम और विकास कार्यों, ट्रैफिक सिग्नल से एक कारण जाम रहता है और दूसरी ओर जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर वीवीआईपी मूवमेंट के कारण बार बार जाम होता रहता है। तो राहगीरों को आने जाने के लिए झालाना बाईपास उचित ही विकल्प है। यह बाईपास सीतापुरा से दिल्ली और आगरा हाईवे से जोड़ता है, जयपुर सिटी को भी साथ में जोड़ता है। झालाना डुमरी क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा सरकारी, प्राइवेट दफ्तर, इंटरनेशनल सेंटर, झालाना सफारी, कई सरकारी और प्राइवेट अस्पताल स्थित है। झालाना बाईपास रोजाना सुबह शाम जाम रहने से कार्यालय जाने वाले वाहन चालक जाम में फंस जाते हैं। कचरा डिपो के सामने केंद्र विद्यालय 3 संचालित है, स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का आना जाना भी खतरे से कम नहीं होता। रेलवे स्टेशन, नारायण सिंह सर्किल, सिंधी कैंप, बस स्टैंड जाने वाले यात्री, अस्पताल जाने वाली एम्बुलेंस भी डिपो के वाहनों के कारण रास्ते में फंस जाती है। जयपुर से हमारे संवाददाता आनंद जगरवाल की खास रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ट्वीट कर कहा कि राजस्थान में अपराधियों द्वारा कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर जिस कदर अराजकता का माहौल बनाया जा रहा है, भरतपुर की घटना इसका जीता जागता उदाहरण है। राज्य में ना कानून है ना व्यवस्था। राठौड़ ने कहा प्रदेश में गैंगस्टर इस कदर बेखौफ है कि भरतपुर में कृपाल जगीना हत्याकांड के आरोपियों को कोर्ट में पेशी के लिए रोडवेज बस में ले जा रही पुलिस की मौजूदगी में आरोपियों की गोली से भूनकर हत्या कर दी गई और पुलिस प्रशासन मजबूर, बेबस और लाचार होकर देखता रहा। राठौड़ ने कहा मुख्यमंत्री अशोक जी जो राज्य के गृह विभाग के मुखिया भी है, उनके शासन में राज्य में लागू गहलोत पैनल कोड में अपराधियों से डरी सहमी पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। अपराधी अपराध कारित करने के लिए बेखौफ है। राठौड़ ने कहा इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या होगी कि राज्य में अब तक पूर्ण कालिक गृह मंत्री भी नहीं है। जनता की जान को खतरे में डालकर रोडवेज बस में खूंखार अपराधियों को ले जाना पुलिस की समझदारी कहें या अपराधियों से सांठगांठ। जयपुर से हमारे संवाददाता आनंद जगरवाल की खास रिपोर्ट। प्रकार की जर्जर कानून व्यवस्था है। पुलिस की कस्टडी में कुलदीप जघाने का सरेआम हत्या हो जाए पेशी पर लाते हुए भरतपुर के अंदर राजस्थान में ना कानून बचा ना व्यवस्थाएं बची है। गृह मंत्री के रूप में पूर्णकालिक दूसरा गृह मंत्री नहीं देकर मुख्यमंत्री जी ने फोन टेपिंग करने का अपने साथियों के काम को अंजाम दिया और इसी का अंजाम रहा कि आज ना गैंग और गैंगस्टर दोनों इतने प्रभावी हो गए तो पुलिस की उपस्थिति में सरेआम गोलियों से अपराधी एक दूसरे से बार करके उड़ाने लग गए।
आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें शुभ 24 न्यूज के साथ, नमस्कार।